أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. Assalamu alaikum. This is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, Lahore, Pakistan se main baat kar raha hoon. My dear students, my dear viewers, my dear respected teachers, Hufaz-e Karam, Qurra Hazrat, Alma, Qariya, Muftihan and Alimuddin. दोस्तों, आप लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वॉइस मैसेजेस भी आते हैं, और उसके अंदर जो ज़्यादातर सवाल जो किया गया है वो पूछा गया है कि स्टूडेंट कैसे हम हासिल करें. तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रिसाइज करके मैं कुछ तरीका आपको बताने वाला हूं कि आप स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं बाहर के मुवालक के, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा. और उसके साथ में कुरान का लेसन भी होगा, और मैं आपको तीन तरीकों से कुरान पाक जो है पढ़ना सिखाऊंगा तजवीद रूल के साथ. दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्लीज़ क्लिक कीजिएगा ऑल पे, ताकि जो भी अपडेट मैं नई वीडियो बनाऊँ उसकी जो अपडेट है आप तक पहुँच जाए. और मेरे इस चैनल अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा, शायद के किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात. चलें जी, आज हम आपको बाहर के मुवालिक में स्टूडेंट कैसे हासिल किए जा सकते हैं मैं आपको प्रिसाइज करके पहले बता देता हूँ, और उसके बाद हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में कुरान जब पढ़ाना है तो ज़बर, ज़ेर और पेश को इंग्लिश में कैसे अदा करेंगे. तो दोस्तों, ऐसे ही अदा करेंगे. ज़बर को ज़बर कहेंगे, ज़ेर को ज़ेर कहेंगे और पेश को पेश कहेंगे. खड़ी ज़बर को स्टैंडिंग ज़बर कहेंगे, खड़ी ज़ेर को, ठीक है, स्टैंडिंग ज़ेर कहेंगे. उल्टा पेश को आप या स्टैंडिंग पेश कहेंगे. ये तो हो गया इंग्लिश में. उर्दू में ज़बर, ज़ेर, पेश, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश हम कहेंगे. आइए हम अब हम देखते हैं कि आपको दुबई में स्टूडेंट मिल गया है, या सऊदी अरेबिया में, या मिस्र में, शाम में, इराक में, जहाँ जहाँ अरबी बोली जाती है, फलस्तीन में, जहाँ भी अरबी बोली जाती है, तो उनको ज़बर, ज़ेर और पेश का अंदाज़ा नहीं होता. ये सिर्फ़ और सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर पढ़ा जाता है, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर ये ज़बर, ज़ेर, पेश बोला जाता है. लेकिन मिडल ईस्ट और अरेबिक कंट्रीज़ में अब ज़बर को फतह कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं, पेश को दम्मा कहते हैं, और अगर डबल ज़बर आ जाता है तो उसको फतातैन कहेंगे, और अगर डबल ज़ेर आ जाए जिसे तनवीन कहते हैं तो कसरतैन कहेंगे, और अगर डबल पेश आ जाए तो उसको दम्मातैन कहेंगे. ठीक है जी, अब उसको आपने कैसे आपने अरबिक में पढ़ाना है कि स्टैंडिंग फतह, स्टैंडिंग ज़ेर और स्टैंडिंग स्टैंडिंग कसरा, स्टैंडिंग दोमा, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है जी, इस तरह हम इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा कि एक आयत को मैं ले लूं और आपको पहले उर्दू में आपको पढ़कर आपको बता दूं, फिर इंग्लिश में, और फिर हम अरेबिक में फतह, कसरा और दोमा को कैसे अदा करना है वो इस तरह भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक आयत पढ़कर आपको डेमो दे दूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट को आपने तलाश कैसे करना है. देखिए दोस्तों, मुख्तलिफ ग्रुप्स आपने फेसबुक पर आपने ज्वाइन करने हैं, डिफरेंट
ठीक है, आपने फेसबुक सर्च बार के अंदर जाकर वहां लिखना है पाकिस्तानी कम्युनिटी इन इंग्लैंड, ठीक है, और इसी तरह इनके बाद आपने कंट्री लगाते जाना है और ग्रुप ज्वाइन करते जाना है इन यूएसए, इन यूके, इन इटली, इन फ्रांस, इन इराक, ओके, इन मिस्र, इजिप्ट एंड बहरीन और इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह आप मुख्तलिफ कंट्रीज को आप साथ लगाते जाएंगे और ग्रुप ज्वाइन करते जाएंगे। आपने सबसे पहले ग्रुप्स के अंदर देखना है कि सबसे ज़्यादा मेंबर किसके ज़्यादा हैं, जिनके जिनके के हिसाब से होंगे, थाउजेंड के हिसाब से होंगे, उसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। सपोज़ आपके पास यूके का है, इंग्लैंड का है, कैनेडा का है, ठीक है, और अमेरिका का है, तो उसमें आपने जिसके ज़्यादा मेंबर होंगे उसके अंदर आपने जो पोस्ट बनाई होगी प्यारी सी इंग्लिश में, वो आपने पोस्ट आपने सेंड, और मुसवदा मेरी वीडियो आप चेक करें, दो तीन मैंने पीछे जो बनाई है उसके अंदर मैंने तरीका बता दिया हुआ है। तो इस तरह आप मुसवदा लिखेंगे, वो टाइप कर देंगे, साथ अपनी आपने पोस्ट जो है वो सेंड कर देनी है। और याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत अहम बात करने लगा हूँ, आपने एक दिन में पर डे डिफरेंट थ्री ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जिसकी मेंबर ज़्यादा हों वो वाले, तो उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी जो फेसबुक आईडी जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी या फेसबुक जो पेज है वो आपका परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है, या डिपेंड अपॉन देयर चॉइस कि वो 6 माह के लिए, 2 माह के लिए, 1 माह के लिए या कुछ दिन के लिए वो आपके पेज को या आईडी को ब्लॉक कर दें, वो उनके ऊपर डिपेंड है। आपने ज़्यादा पोस्ट नहीं चलानी, ये तो हो गया पर डे के हिसाब से। उसके बाद आपने करना क्या है कि मुख्तलिफ इस्लामिक व्हाट्सएप ग्रुप में आपने जाना है और अपनी जो पोस्ट है कोशिश करें वो इंग्लिश में बनी हो, और कोशिश करें कि आप यूरोप वाली साइट पे आप ज़्यादा अपनी पोस्ट चलवाएं, उसको आपको फाइनेंशियली तौर पे ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इंडियन जो है उनको पाकिस्तानी करेंसी में मसला होता है, आपकी जो फीस है वो हदिया जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, या तो इंडियन किसी अपने जाने वाले बाहर के ममालक में अपनी फीस पहले उनको, फॉर एग्जांपल के अगर इंडियन मुस्लिम जो है उनका कोई जानने वाला इंग्लैंड में है तो वो फीस आपकी पहले अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को कैनेडा, यूके और यूएसए में आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र करें और वो फिर आपको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करें, फिर आपको फ़ीस मिलेगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है इंडियन स्टूडेंट के हवाले से, ठीक है जी, और यही सेम बांग्लादेश के हवाले से। तो आप कोशिश यही कर लीजिएगा कि इंडियन भी टच करें, लेकिन आप बाहर के ममालक में ज़्यादा कोशिश कर लें तो आपको फ़ायदा होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया व्हाट्सएप ग्रुप, फिर आपने स्काइप के अंदर जाके वहाँ पर भी ग्रुप आपने ज्वाइन करना है, वहाँ पर आप लिखें कि अली, आप आगे लिखें यूके, तो जितने भी अली यूके में होंगे वो वाले आ जाएंगे, और वहाँ पर भी आप एक मुसवदा टाइप करके रखें और साथ अपनी पोस्ट लगा दें। लेकिन याद रखिएगा टाइम का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि कहीं ये ना हो कि वो सो रहे हो और आप अपना मैसेज करें तो वो बुरा मानेंगे और हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक कर दें और आपकी जो पोस्ट है वो आगे फॉरवर्ड ही ना करें, बल्कि अच्छी बात है कि पहले आप देख लें टाइम क्या हुआ है, ठीक है। तो एक वेबसाइट है वो आप देख लीजिएगा, टाइम बाई करके, टाइम TIME टाइम BIE ठीक है .com राइट, ये वेबसाइट बहुत कमाल की है। आप यहां पर जाइएगा और यहां पर आपको टाइम टेबल आ जाएगा, पाकिस्तानी टाइम, कैनेडियन टाइम, डिफरेंट सारी कंट्रीज का टाइम आ रहा होगा, तो वहां से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत आला किस्म की ये वेबसाइट है, ये लाजमी नोट कर लीजिएगा। एक तो हो गया व्हाट्सएप, फिर हो गया स्काइप। अब एक और चीज, आपका लोकल जो जो नेटवर्क जो है, केबल नेटवर्क जो है, वहां पर ये थोड़ा सा कॉस्टली काम होगा, आप उनको फीस दे दें और अपनी लोकल एड जो है वो चलवा लें,
तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको आपके एरिया के अंदर, सपोज आप इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, आप रावलपिंडी में रहते हैं, आप मानसेहरा में रहते हो, आप मुजफ्फरगढ़ में रहते हो, आप कश्मीर में रहते हो, और आप फैसलाबाद में रहते हो, आप मुल्तान में रहते हो, आप कराची में रहते हो, आप क्वेटा में रहते हो, तो उनके जो लोकल केबल नेटवर्क वाले हैं उनको आप फीस देकर अपनी जो पोस्ट है वो चलवा सकते हैं, तो उससे डेफिनेटली आपको ट्यूशन लाजमी मिल जाएंगे। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये कॉस्टली है थोड़ा सा। दूसरा, आप फेसबुक एड आप चलवा सकते हैं, वहां पर भी आपके पैसे लगेंगे और फिर वहां से भी आपको जो है जो स्टूडेंट है वो यूरोप में और यूएसए, कनाडा, अमेरिका, और इसमें आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में आप अपनी, किस रीजन में आप या किस कंट्री में आप अपनी एड चलवाना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से भी आपसे वो चार्जेस लेते हैं, फीस लेंगे और आपकी वो एड चलवा देंगे, उससे भी आपको ट्यूशन्स आएंगी। और कोशिश कीजिएगा कि आपने व्हाट्सएप मैसेजेस का, यानी व्हाट्सएप मैसेज की ऑप्शन जो वो क्लिक कर लीजिएगा ताकि वो आपको मैसेज आ जाए, ठीक है, तो वो अटेंड कर लीजिएगा और वो तकरीबन 5 दिन 7 दिन 8 दिन जितने दिन की आपने चलानी उस हिसाब से आपके जो फीस भी बढ़ती जाएगी। तो उस दिन आपने एक अलग से एक बंदा हायर कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, वो 24/7 आपकी जो आने वाली जो कॉल्स हैं जो आपने ऐड चलाई है वो फौरी तौर पे उसका रिस्पॉन्स आपने क्विकली देना होगा और आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, मेरे ख्याल है ये काफी इंफॉर्मेशन होगी। या फिर आप चाहते हैं कि आप वायरल हो जाएं और आप चाहते हैं कि आपको लोग एज ए ब्रांड के तौर पर पहचाने, तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक पासपोर्ट साइज की एक आपने तस्वीर बहुत प्यारी सी आपने बिल्कुल आपने खत बनाकर और खूबसूरत चेहरा अपना बनाकर लुक वाइज आप अच्छे लगने चाहिए, स्टनिंग लगने चाहिए, लुक वेरी ब्यूटिफुल एंड हैंडसम, राइट, आपको लगना चाहिए। और प्रॉपर जो लिबास है वो आपने पहनकर, इमामा शरीफ है या कैप है या स्कार्फ आप पहनती हैं और हिजाब जो पहनती है वो पहनकर आप अच्छी खूबसूरत सी तस्वीर, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए आपका, तो वो आप दे सकते हैं। मेरा ख्याल है ख़वातीन के लिए तो ये मुनासिब नहीं होगा, आप काफ़ी फुल आप हिजाब के साथ भी अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगो इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है। तो जो मर्द हजरात हैं, कुर्रा हजरात, हुफाज़े कराम, वो अच्छा खुश शक्ल यानी कि आपको लगना चाहिए, लबास भी अच्छा होना चाहिए और एक पासपोर्ट साइज आप तस्वीर एक बना लीजिएगा जिसका बैकग्राउंड जो है पीछे वाइट या फिर ब्लू कलर का हो। ये आपने बना के आप याद रखिएगा, यही वाली जो तस्वीर है आपकी, यही आपके चैनल के ऊपर होनी चाहिए और चैनल का नेम जो आपने रखा है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कुरान एकेडमी या अल फुरकानुल हकीम एकेडमी, सपोज ये नाम है, यही आपका चैनल नेम है और आपकी तस्वीर सेम वही होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे भी यही चैनल नेम और यही आपकी तस्वीर होनी चाहिए और ट्विटर पर भी यही तस्वीर, यही चैनल नेम होना चाहिए और लिंक्डइन पर भी वहाँ पर वही सेम नाम होना चाहिए आपका, वही तस्वीर होनी चाहिए और फेसबुक आईडी पर आपकी यही नाम होना चाहिए जो मैंने बताया और यही तस्वीर होनी चाहिए और फेसबुक जो पेज आपने जो बनाया होगा वही सेम नाम और वही आपकी तस्वीर होनी चाहिए। इसका फायदा आपको क्या होगा ये मैं बताता चलूं कि आप एज ए ब्रांड के तौर पर उभर के आएंगे, जब आपकी रेंडरिंग होगी गूगल आपको ऊपर रेंडरिंग करते हुए, क्रॉलिंग करते हुए ऊपर लेकर आएगा आपकी आपकी वेबसाइट को, आपके चैनल को। SEO जब होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब होगी, तो ऐसा ऐसा आपको पहचानना शुरू हो जाएंगे लोग आपकी तस्वीर की वजह से, आपके नाम की वजह से। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है लेकिन ये आपकी लक के ऊपर भी है, अगर आपकी लक अच्छी है तो आप विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू ईयर्स आप बहुत पॉपुलर हो जाते हो, ये आपकी लक के ऊपर भी है। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा डेमो में आपको कुरान पाक का भी देते हैं और आपको बताते हैं कि आपने फतह और कसरा दम्मा कब पढ़ना है, जबर जेर पेश कब पढ़ना है, ठीक, और इंग्लिश में कैसे पढ़ना है। ये मैं छोटी सी एक आयत आपके सामने रखता हूँ, आप यहाँ से आप जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और ठहरिए, आपसे इल्तमास है दोस्तों,
कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आपके तामुन की बहुत ज़रूरत है, आपके लाइक और शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो सके, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपने, अगर आपने इंग्लिश में पेश को, ज़बर को, ज़ेर को और खड़ी ज़बर और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को इंग्लिश में कैसे पढ़ाना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस मुझसे किए जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पेश को आप इंग्लिश में भी पेश ही आप कहेंगे, ठीक है। दिस इज़ द पेश, दिस इज़ द पेश, ओके, एंड दिस इज़ द ज़ेर, दिस इज़ द स्टैंडिंग ज़बर, ओके, दिस इज़ द ज़बर, ऐसे आप कहेंगे, ठीक है। दिस इज अ ज़बर, दिस इज अ स्टैंडिंग ज़बर, दिस इज द पेश और दिस इज द डबल ज़बर, इसको आप डबल ज़बर कहेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। और ये तशदीद है, तशदीदी कहेंगे आप इसको, आप कर्व साइन भी कह सकते हैं, डब्ल्यू साइन भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको तशदीद को। और ये ज़ेर को ज़ेर ही आप कहेंगे इंग्लिश में भी, ठीक है। तो इस तरह हम आराम से ये सारी आयत को पढ़ते जाएंगे इंग्लिश में भी। और उर्दू में जैसे हम अरबी में पढ़े, हम कहेंगे ये पेश है, ये खड़ी ज़बर है, इसको खड़ी ज़बर कहेंगे, इसको ज़ेर कहेंगे, इसको खड़ी ज़बर कहेंगे, ठीक है। इसी तरह ज़ेर है, पेश है, इस तरह हम उर्दू में हम पढ़ाएंगे। अब हमारे पास, और ये बड़ी मद आप कहेंगे, इसको बड़ी मद कहेंगे, और ये भी बड़ी मद है, और जो छोटी मद होती है उसको छोटी मद कहेंगे, और इंग्लिश में लॉन्ग मद कहेंगे, याद रखिएगा, इसको लॉन्ग मद कहेंगे, ठीक है, बड़ी मद को इंग्लिश में। और अब हम इसको सऊदी अरेबिया में या दुबई में आप पढ़ाना चाहते हो, मिडिल ईस्ट में जहाँ भी आप पढ़ाना है, तो पेश को दम्मा कहेंगे और ज़ेर को कसरा कहेंगे, ठीक है, और ये स्टैंडिंग फतह हम इसको कहेंगे, और ये फतह होगा, ये दम्मा है, कसरा है, और क्या है, फतह है, ठीक है, और स्टैंडिंग फतह आप ये कहेंगे। अच्छा, डबल ज़बर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फतातैन, इसको क्या कहेंगे, फतातैन। और याद रखिएगा कि डबल ज़ेर अगर होगी, डबल ज़ेर, तो उसको हम कसरा तैन कहेंगे, कसरा तैन हम कहेंगे उसको, और अगर डबल पेश होगी तो हम उसको दोम्मा तैन कहेंगे, डबल पेश को क्या कहेंगे, दोम्मा तैन। और ये स्टैंडिंग फतह हो गई है, ये कसरा हो गई है, और ये दोम्मा हो गया, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, दिस दोम्मा, ओके, यू विल रीड हमजा दोम्मा ओ, ओके, लाम हैज अ लॉन्ग मद ओवर देयर, एंड दिस इज एंड लाम हैज अ स्टैंडिंग फता आल्सो, एंड दिस इज द हमजा कसरा ई का फता का उला ई का आइन फता लाम स्टैंडिंग फता ला आला हा दुम्मा हु दाल दाल फता तैन, ओके, दाल फता तैन, दाल फता तैन विल कनेक्ट विद मीम मुशद्दा विद कसरा, विद कसरा विल कनेक्ट विद रा मुशद्दा, रा मुशद्दा फता, एंड रा मुशद्दा फता विल कनेक्ट विद बा मुशद्दा कसरा, राइट, रब्बी, एंड हा कसरा विल कनेक्ट विद मीम साकिना, हुदम हुदम मेर रब्बिहिम, दिस इज द हरूफ यरमलून, एंड यू विल रीड हुदम मेर रब्बिहिम, ओके, यू डोंट मेक गुना हियर, ओके, विदाउट गुना यू विल रीड दिस रॉ, أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَفَتَحَ وَهَمْزَةَ ضَمَّ وَاو لام ستاندنگ فتح لونگ مد، اوکے، دیر از اے لونگ مد ہیئر، لام ستاندنگ فتح لا حمزہ کسرہ ای کا فتح کا وَأُولَٰئِكَ هَا ضَمَّهُ मीम दोमा विल कनेक्ट विद लाम साकिना, दिस इज द लाम साकिना हियर, हु मुल मीम दोमा फा मोफ,
This meme Dhamma will connect with the Fa Sakina. After connected with the Fa Sakina, okay, the sound should be here. Mof. Lam Kasra Li Ha Dhamma Wow. Hu Noon Zabarna. Hu Na. This is the Waqf-e Tam here, and you must stop there. And when you stop at the last letter, okay, the Noon Fatha Na would be changed into Noon Sakina, and you will read Muflihun, and you make Madde Aris here. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, wohi log, ala par hudan hadayat min se rabbihim apna rab wa ulaika aur wohi log humul muflihun wo kamyab wohi log apne rab ki taraf se hidayat par hain aur wohi log kamyab hain mashallah meri allah pak se dua hai ki ae mere pak parwardigar alam mujh na cheez se अगर पढ़ने में अदायगी में कोई गलती कुताही होगी हो तो ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम अपनी वाहदनीयत का तुझे अपनी वाहदनीयत का सदका है और अपनी वाहदनीयत के सदके और तू फैल अपने महबूब के सदके मुझे मुआफ़ फरमा और मुझे सही अदायगी के साथ कुरान पढ़ने की और पढ़ाने की तौफीक अता फरमा और जो लोग भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं ऐ अल्लाह इनकी औलाद को इनकी आँखों की ठंडक बना दें और इनके इलम में माल में दौलत में इज्जत में ईमान में और ज़िंदगी में बरकत और अजाफा फरमा आमीन सुमामीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाह हाफिज़।